धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए निभाएं सहभागिता। अनिरुद्ध वन। धूमेश्वर धाम पर 12 जुलाई से होने वाली अष्टोत्तर सत श्रीमद भागवत कथा को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित। भीतर बार में धूमेश्वर धाम पर 12 जुलाई से शुरू होने वाली अष्टोत्तर सत 108 श्रीमद भागवत कथा की तैयारियां बड़े जोरों पर चल रही हैं। इस ऐतिहासिक भव्य और दिव्य आयोजन की सफलता के लिए जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, धार्मिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों से रूबरू हो चुके महंत्र के महंत और महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज जी ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। धूमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बने भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में महामंडलेश्वर ने बताया कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक धूमेश्वर धाम पर अष्टोत्तर सत 108 श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व विख्यात भागवताचार्य पंडित श्याम सुंदर पारासर अपनी मधुर वाणी से कथा सुनाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू होने वाली इस भागवत कथा में आसपास क्षेत्र व अन्य जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने आएंगे, जिसको देखते हुए मंदिर से जुड़े श्रद्धालु आवश्यक तैयारियों में जुटे हुए। वहीं महामंडलेश्वर ने कहा कि धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के लिए सभी लोग अपनी सहभागिता निभाए। महामंडलेश्वर ने इस भव्य आयोजन को देखते हुए मंदिर प्रांगण में की गई पार्किंग व्यवस्था और सिंध नदी की ओर बैरिकेड्स लगाए जाने सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं इस धार्मिक आयोजन में आवागमन की सुभगता को लेकर किए गए सवाल में धूमेश्वर धाम के महंत ने कहा कि करियावटी गांव में सड़क पर भरे गंदे पानी और भीतर भार में सांकनी मार्ग पर बने गहरे गहरे गड्ढों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होगी, जिसको लेकर यहाँ एक बैठक में आए दल के नेता और प्रशासन के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, जिस पर उनकी और इस मार्ग के सुधार के लिए आश्वासन मिला है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किए गए मार्ग पर सुधार कार्य न करना निंदनीय है। वंदे भारत न्यूज के लिए जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। एवं रुद्र महायज्ञ के धार्मिक अनुष्ठान क्योंकि यहाँ प्रारंभ है। आप सब देख रहे हैं कि व्यवस्था सभी क्षेत्रवासी मेरे भक्तजन आप सबके सहयोग से कार्यक्रम की व्यवस्थाएँ शासन शासन की ओर से यहाँ के समस्त हमारे जन प्रतिनिधि सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, सभी एक दूसरे के द्वारा प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। आज जो है पुण्य पूजन होगा, कल से यहाँ हवन 108 विमानों द्वारा यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम होगा। यज्ञ पूजन, यज्ञ मंडप पूजन, मंडप प्रवेश और अनुष्ठान कल से शुरू होगा और 12 तारीख से यहाँ विशाल शोभा यात्रा तत्सत 108 भागवतों का मूल पाठ एवं भागवत कथा जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय भगवान हैं श्याम सुंदर पारासर जी द्वारा यहाँ वचन किया जाएगा। विशेष बहुत सुंदर कथा होती है, हमारे पूरे विश्व में कथा के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हमारे भगवान उनके द्वारा कथा का निर्वाचन होगा। यहाँ का विशेष नवचंडी विश्व रुद्र महाभिषेक खंड ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान भी साथ में हैं, जिसमें करीबन 151 ब्राह्मण विद्वानों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे आचार्य जी भी हैं, रविदेव जी महाराज यज्ञाचार्य जी हैं, भगवताचार्य जी और हमारे महाराज विद्वान जी आए हुए हैं। इस अनुष्ठान में कितने श्रद्धालु पहुँचने की संभाव यहाँ का आसपास ये संभाग का माना हुआ हमारे प्राचीन धूमेश्वर धाम प्राचीन स्थान है। वैसे भी आप देख रहे हैं वैसे ही सहज में भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। श्रावण मास श्रावण में यहाँ पूरे महीने, वैसे इस समय तो दो श्रावण पड़े हुए हैं, एक अधिक मास
उसको लेकर विशेष और तैयारी। इस बीच में यहाँ इसी कार्यक्रम के बीच में अगला जो सोमवार आएगा, ये सोमवार छोड़ करके वो सोमवती अमावस्या के नाम से कहलाएगा, उसमें विशाल भीड़ तो यहाँ निरंतर ही रहेगी। आसपास के जितने भी आसपास का पूरा क्षेत्र करीबन यहाँ 4-5 विधानसभाएँ हैं, लोग आते हैं, दूर से लोग आते हैं, नागपुर से लेकर के दूर यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो जितने भी ये आंकलन नहीं लगा सकते कितनी भक्तों की सैलाब आ सकता है, जितना भी यहाँ सारे भंडारा सारे क्षेत्र के महाराज जी हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ एकत्र लगातार प्रशासन की बैठकें हो रही, क्या तैयारी प्रशासन ने की? यहाँ पे कुंड भी है, कई घटनाएं हो चुकी है, उसको लेकर के प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कुंड को लेकर? जो तैयारी है आज तक आप देखते रहते हो, कहीं हत्या होता रहता है, उसको लेकर के वहाँ प्रशासन भी तैयारी कर रहा है, वेरिंग गार्ड तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ ने बोला है, गोताखोरों के लोग साहब ने बोला है, और आज भी बता रहे हैं हमारे एस पी साहब, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, इसी प्रकार उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लोग कर रहे हैं। हमारे साथ ही करियावटी पे एक जल भराव है रास्ते में, हमने कई जगह मतलब किया था, निवेदन भी किया था, सबको बोला, स्टेप साहब को बोला, और भी यहाँ आए हमारे, क्या कहना उनका कहना, उस व्यवस्था को करेंगे जल्दी से, उसको कोई ना भैया दिलवाएंगे, समय नज़दीक आ गया है, अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है वहाँ पर, वहाँ की समस्या भी बहुत ज़्यादा गहरी है, और हमारे सभी लोगों ने देखा भी है, सबको भी शिकायत आती है वहाँ तक इतनी गहरी कि कई लोगों में दुर्घटनाग्रस्त होने का संभावना है, और काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है, तो इसके लिए जो व्यवस्थाएँ हैं प्रशासन की तरफ से कुछ अभी और बयान आया है कि किस तरह से आ रहे हैं लोग, लगे हैं प्रशासन की व्यवस्था में। महाराज जी ये भितरवार से सांकनी वाला रोड बिल्कुल ख़राब है, इसमें क्या बात है प्रशासन? इसके भी हमने कहा था, परंतु अभी बता रहे हैं उसमें शायद टेंडर नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के कोई विकल्प व्यवस्था की गई है महाराज निकलने की? कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिख रही है, हालांकि कहा था तो बोले शायद सरपंच साहब वहाँ के जो आकाशवाणी के हैं पार्किंग व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था, महाराज श्रद्धालुओं के जो भी रुकने की व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था? पार्किंग व्यवस्था क्या है, बरसात का समय है विशेष, इसलिए थोड़ा पार्किंग व्यवस्था की व्यवस्था देख रहे हैं, सभी लोग उधर बैठी जाएगी, आपने देखा रुकने की व्यवस्था, हमारे यहाँ बड़ी विशाल धर्मशालाएँ बनी हुई, रावत समाज द्वारा धर्मशाला विशाल तैयार होगी, धर्मशाला विशाल और उसमें जो कथा होगी, विशाल मंडल है, और आगे भी विशाल पंडाल है, यहाँ पे भोजन के लिए भी पंडाल और भी तैयार है, सभी लोग को सहयोग से, सभी क्षेत्रवासी सहयोग से, सब लोग सहयोग से यहाँ व्यवस्था चल रही है, और आप सबके सहयोग से। सर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या अपील है महाराज, क्या किस तरह से आए वो? करीबन अभी बरसात का समय है, थोड़ा अपने आए के हिसाब से आए जाए, व्यवस्था से देखें, भगवान के पास यहाँ कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा सब सफराती होता है, इसे यहाँ मानता है भगवान, आयु होता कभी कुछ कष्ट नहीं आता, भगवान सारे कष्ट अपने आने वाले हैं, जैसे हमारे प्राचीन भगवान शक्तिपीठ राजमान है, यहाँ जो आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, संतान को भी संतान देने वाले हैं हमारे भगवान, धनहीन को धनवान बना देने वाले, ऐसे यहाँ चमत्कारी बात है जो भगवान है, यहाँ से पद उन्नति नहीं होती, भगवान की दर्शन करने से, सोमवार करने से पद की उन्नति हो जाती है, इसलिए यहाँ की मान्यता है, भगवान के साथ उनकी कृपा से ही कार्यक्रम हो रहा है, उनकी इच्छा से, उनकी प्रेरणा से ही कार्यक्रम हो रहा है, इसमें यजमान भी हमारे भूमेश्वर भगवान स्वयं बने हुए, वही यहाँ इसके आयोजक हैं, और वही वो इसकी परिचित भी वही है, हम लोग सब सेवा कर रहे हैं, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा के साथ कार्यक्रम हो रहा है, उनकी इच्छा है, अखंड भी यहाँ पंचाक्षर मंत्र का जप चल रहा है, आज 8-9 साल हो गए उसकी उपलक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया है, और विशेष के पास ये कार्यक्रम सम्पन्न, आप सबके सहयोग से सम्पन्न हुआ, सब उसमें सहयोग करें, सभी क्षेत्रवार क्षेत्र के आसपास के हमारे भक्त समाज, क्षेत्र के जितने भी भक्त समाज भक्त लोग, उनसे सबसे अपील यही है, सभी लोग आएँ इसमें सहयोग करें, अपना मान करके आप सब सहयोग करें, जैसे अपने घर में कार्य करते हैं इसी प्रकार यहाँ अपना घर मान कर, अपना आश्रम मान करके, अपने भगवान को मान करके सहयोग करें, तन मन धन जैसे बल सब अपना मान करें, ये ना कहें हमसे कोई किसी ने कुछ कहा नहीं, वास्तविक भगवान का घर तो भगवान सबके होते हैं, ठाकुर जी घर सबका घर होता है, विशेष इसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं है, स्वयं जो है भूमेश्वर भगवान इसमें परिचित हैं, स्वयं वही आयोजक भी वही है, उपस्थित भी वही है, जैसे यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, आप सब सही से सम्पन्न भी होंगे,
जय।